अरे लाल, हम मालिक काम करते हैं, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, पानी निकलने का कहीं चांस नहीं है, और सांप हो भी विषैले यहाँ पर अपना घूमते फिरते रहते हैं, हम लोग काम करने में बाधा पड़ती है। हम कैलाश मालिक हैं। क्या यह है, उद्यान में जो हुए बारिश का जो है पानी जो है पूरा लग गया है, पौधे सब नुकसान हो गए हैं। इस कारण से जो है विषैले जो है सांप इसमें जो है घूम रहे हैं, काम करना मुश्किल हो गया। इसमें पानी की वजह से जो है पौधे हम लोग निकाल रहे हैं बाहर, जितना हो सके बचाना है तो बचा सकते हैं। जी, मैं डॉक्टर शैलेंद्र दुबे, जिला उद्यान अधिकारी गाजीपुर। विगत दिनों में जो यहाँ बारिश वर्षा हुई है लगभग 300 मिलीलीटर के करीब, उससे हमारे नर्सरी में पौधशाला में जो भी पौधे उत्पादन हो रहे थे, चाहे वो बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत थे अथवा नर्सरी में पौधशाला में, सारे पौधे हमारे डूब गए हैं। विडंबना ये है कि जो यहाँ से पानी का निकासी हुआ करता था, वर्तमान समय में उस पर अतिक्रमण हो गया है, जिसके कारण नाली चौक हो गई है और नाली जो बनी भी है उसके नीचे मेरा पौधशाला आ गया है, जिसके कारण हमारे यहाँ लाख सवा लाख जो पौधे मैं तैयार किया था सब डूब गए, बेरन डूब गई है, हमारे पौधे सूख रहे हैं। इन परिस्थितियों में मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यदि मैं पानी निकालता हूँ, बगल में जो तालाब है वो भी पूरा लबालब हो गया है, तो विकट समस्या है, जिसके कारण हमारे जो कर्मचारी हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं, जो पौधे डूबे हुए हैं मैं पॉलीथीन सहित उनको रोड पे रखवा रहा हूँ, और विषैले जानवर घूम रहे हैं, जो लोग आवास में रह रहे हैं उनको आए दिन आशंका बनी है कि कहीं कुछ विषैले जानवर उनको न डस ले, तो ये सब बिल्कुल भयावह स्थिति है। नगर पालिका से बार बार संपर्क करने पर उनका रवैया हमेशा नकारात्मक ही रहा।